अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का हमारा सबसे फेवरेट व्लॉग है और आपको पता तो चल गया होगा, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है। थंबनेल पे सब कुछ नहीं है, थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया जिशानी और केजी डाकू की पिक्चर, लेकिन उसकी आप लोगों ने पिक्चर तो देख ली है, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट एक जो है ना इंटरेस्टिंग चीज एक और है, लेकिन वो आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको वेलकम है। अभी हम लोग जा रहे हैं जिशानी को पिक करने। सबसे पहले धुर है जो कैमरा मैन है, इसने मुझे 12 बजे का उठाया, 3 बज गए, जिशान की 3:15 की फ्लाइट है, मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने बोला सही है। तो फाइनली ये आ चुका है, अभी हमने जाना एयरपोर्ट पे जिशानी को लेने। उधर से डाकू साहब भी पहुंच आए हैं, उनको भी लेने जाना है। वो तो दूसरा लड़का गया हुआ है, वो तकरीबन 3-4 घंटे बाद पहुंचेंगे, वो थोड़े लेट है। तो बाकी अभी हमने जिशानी को पिक करना है। मजे की बात पता क्या है, जिशानी को कोई नहीं पता कि केजी डाकू आ रहा है। डाकू को पता है कि जिशाना आ गया, उसको मैंने बता दिया, लेकिन जिशान को ये चीज नहीं पता कि डाकू आ रहा। इसका मतलब है जिशान की कुत्ते वाली होने वाली है, सरप्राइज है। जिशान को जब डाकू सामने आएगा उसको डायरेक्ट मिलवाना है। अभी लेने जा रहे हैं, व्लॉग में कहीं पे मैं नाम नहीं लूंगा कि डाकू आ रहा है यार, उससे मिलेंगे, नॉर्मल बात करेंगे, सब कुछ ओके है, लेकिन जब डाकू आएगा फिर उसको सरप्राइज देंगे कि केजी डाकू भी आया हुआ, उसको यही है कि मैं ही आ रहा हूँ। सो पब्लिक, अभी हम लोग पहुंच आए हैं एयरपोर्ट पे, गाड़ी वहाँ पे पीछे खड़ी गई है। तो अभी जिशाने से हमारी बात हुई है, जिशाना पहुंच आया जहाज से, अभी उतरा है, और उधर से डाकू साहब भी उतर आए हैं। डाकू साहब का फोन आया था, भैन दी श्री रोंदा पिया, यार मैं लेट हो गया हूँ, तुम लोग पहुंचो ही कोई नहीं हो। अभी जिशाना 10 मिनट में बाहर आएगा, उसको लेंगे, उसके बाद हमने जाना घर। जिशाने को बिल्कुल नहीं बताना कि हम डाकू साहब को लेने जा रहे हैं या डाकू भी आ रहा है। ये कैमरा मैन गौर नल है, मैं कैमरा मैन ना, फाड़ अपना कैमरा चाले। नहीं नहीं सर, अभी तो ये कटिंग करवाई है तुमने, ये तो बताओ जरा कटिंग किधर से करवाई है, क्यूट लग रहे नहीं, बहुत बड़ा मुँह लगा लगा था, मस्ती ना कर। तो चलो जाते हैं ऊपर जाके, अभी खाते हैं, आपके साथ अभी जब इसकी कुत्ती निकलती है भाई, ओए इसकी बोडियो 4 दिन हूं स्पेन से सही छान रह गया साडे को। तो ये हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे, देख सकते हैं आप, अब जिशान आता है तो फिर जिशान से आप बात करवाते हैं। लो जी, हमें 1 घंटा होगा जिशान का वेट करते हुए, जिशान साहब निकलने का नाम। मैं पहली दफा एयरपोर्ट आए हैं, अगली 2 फ्लाइट इटली तो आ गए, कब के पिछड़े वो निशाने कैमरे से तू फेर तो ही लाग रहा। नहीं नहीं इधर इधर, मैं किधर मार रहे हैं कैमरे, इधर है शाना शान भाई, क्या दो कैमरे दे दिए मुझे, कैमरे से फेर सोना लग दी कसम है, इतने बेड़ा मैं तेरे को दसया नहीं, पूरा चरसी अल्लाह दी कसम है शाना शानिया, शुरू हो गई उमर साहब, पता चले शान भाई ये हैंड कैरी है रोटी खाना मेहमान जेड़ा ना चवल जेड़ा कुछ भी है इज्जत कर, अपना बैग नहीं फड़िया तू ओदा बैग फड़ के फेर दा वे पढ़ा तू वापस, कोई नी उमर घड़ी गिरवी रखवा देने, ऐसे मारो अंदर उमर साहब, मैं तो कहना महीने से कट्ठे कटवा लो, इन्होंने किले सानू देने पेन मार ताइयो लो, पाकिस्तानी आश्रम किन्ने बन गए, 650-700 जो कार्ड ही गलत पा बैठे गाइस, अगर ये गुम हो जाए ना तो इसका फाइन पता कितना है, 80 यूरो
अगर ये आपके पास ना हो 80 यूरो आपको देने पड़ते हैं अपनी गाड़ी में। पापा चुप है, तीसरी पैसे लवाना पे मजे की बात ये है कि ईशानी को मैंने कोई नहीं बताया डाकू आ रहा है अभी तक उससे, उसने कोई नहीं बताया उसको मैंने कि डाकू साहब आ रहे हैं। एक दफ़ा गलती से मुंह से निकला था, फिर मैंने वो बात कवर कर ली। सो शाम के 6 हो गए, 9 बजे डाकू ने आना है, उसको फिर ने इसको सरप्राइज़ देना है। उसको मैंने यही बताया कि तू ही है, रात को मिलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होगा। 1 मिलियन के लिए वो चीज़ें ले ली हैं हमने, हल्की फुल्की गुब्बारे कबूरे सब कुछ ले लिए हैं। अब हम लोगों ने कुछ और चीज़ें 2-4 देखनी है। सो प्लीज़ नया व्लॉग लाइक सब्सक्राइब कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, इसको यहाँ पे रखते हैं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मस्ती नहीं करना, अभी चीज़ें और परचेज करनी। मेरे लोग चेकिंग पास ना जैकेट ना डेडपूल ला लेने मोटा डैड प्रेग्नेंट डेडपूल दोस्त ना रहे खुद हो तुम सारे पूरे पूरे सोन आओ जी सुनाओ चलो आओ अंदर। डर तो नहीं लगता देख के इनको अंदर। अब सबसे बड़ा सरप्राइज सरप्राइज अभी देखने के लिए रेडी सारे। चलो आ जाओ आ जाओ। स्पेशल किधर छुपे थे नी टोपी पा के बैठे होने नहीं वेखी घुट के जफी पा ला घुट के जिडी घुट के ना जफी पाई बस एक चुमी रह गई बांधी तो है रेडियो की बांधी है 16 घंटे राती होटल च लत्त जेगी ढेडी ना धराना जे डाकू साहब ने पाई रख। चलो जी बात ये कि जिशान अभी आ रहा है, उसको मैंने नहीं बताया मैं अंदर आ गया, उसको बाहर खड़ा किया, अभी डाकू साहब से उसको मिलाना, देखते हैं क्या बनता है। चलो तुम बाहर आ जाओ ना, तुम बाहर आ जाओ डाकू साहब, टोपी पा लो फिर। भाई आमिर भाई ये हमारे FM दिशान है। सरप्राइज़ तो समझा सी नहीं।
कैसा लगा सर जी? कसम है यार, रोना पड़ गया यार, रोना पड़ गया यार। कहता हूं कार में जा रहे ड्राइविंग पे, दो बारी फोन करने लगा तो मैं फोन नहीं करना। डाकू साहब कहने मैं ट्रक पे दे दिया, मैंने फोन ना करियो। अच्छा दो बारी फोन आई मैं नहीं चुकन देती, पहला ट्रक जड़ा उठ के थे आ गए। निशान निशान को देख के कैसा लग रहा है तुम्हें? स्ट्रीम पे सोना लगता है नहीं? होटल चलाना सारा कुछ। फाइनली आए, अभी मैं घर आया हूँ, उनको मैं होटल में छोड़ के आया हूँ, क्योंकि अब मैं होटल में उनको तंग थके हुए थे, उनके साथ तो नहीं रह सकता था। घर के पास ही होटल है, उनको घर में होटल में छोड़ा है। अभी 3 हो गए, 3:30 रात के, तो अभी मैं घर आके थोड़ी देर सोऊंगा, सुबह 8-9 बजे फिर उठ के जाना है। सो लाइक सब्सक्राइब कर देना आप सब ने। इंशाल्लाह जो कल व्लॉग आ रहा है वो मस्ट आपने देखना है, उसमें समथिंग मेरी जो है ना स्ट्रगलिंग के बारे में मैंने उसमें सब कुछ ऐड किया है। अगली वीडियो वो स्पेशल है सबके लिए, सो प्लीज़ उस वीडियो पर भी सपोर्ट करना और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।